हेलो, कैसे हो आप लोग? और ये व्यू कुछ जाना पहचाना लग रहा है? और अगर हाँ लग रहा है तो बता दूँ आपको कि ये 2022 की मेरी लेह लद्दाख एक्सपीडिशन राइड है, जिसके लिए मैं निकल चुका हूँ। और मुझे निकले हुए वैसे आधा घंटा हो चुका है अपने घर से, और फिलहाल मैंने सिर्फ 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। मैंने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ना थोड़ा सिटी वटी में चल रहा था अभी, तो बहुत ट्रक गाड़ी वगैरह चल रही थी स्टार्टिंग में, तो मुझे फील नहीं आ रही थी। अभी यहाँ पर मैंने जैसे ही हाईवे की तरफ हल्का सा रुख किया है तो रास्ते आप देख रहे हैं खाली मिल रहे हैं, 4 लेन के हाईवे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ना ये ना झिझक हुई कि यार चलो अब कर लेना चाहिए यार, अब फील आ रही है, अब हवा भी आ रही है, अब माहौल भी है, अब बिल्कुल सही लग रहा है अभी। लेकिन जो है ना सीन आपको इतना अच्छा कुछ दिखेगा नहीं, अभी रात का टाइम है। थोड़े टाइम बाद मैं आपको जैसे ही सूरज की किरणें ऊपर आती है उसके बाद आपको दिखाता हूँ, रास्तों से रूबरू कराता हूँ मैं आपको। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं पानीपत, मतलब पानीपत को थोड़ा सा क्रॉस किया है, उसके 10-15 किलोमीटर आगे मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं मालूम। और मैं जस्ट कमर सीधी करने के लिए रुका था, ये है मयूर ढाबा, यहाँ पर थोड़ा सा चेयर वेयर लगा के मैं बैठा और मैं वेट कर रहा था कि रोशनी हो जाए, थोड़ी सी सुबह हो जाए, उसके बाद हम फिर से चलेंगे। बेसिकली जब दिन चेंज हो रहा होता है ना तो विजिबिलिटी भी जो है थोड़ी लो हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। वैसे मैं आगे एक जगह रुकूंगा जहाँ पर मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है, मुझे नहीं पता कौन सी जगह रुकूंगा, लेकिन विल मेक श्योर क्योंकि अच्छी जगह ही रुकूँ। दिल्ली से निकले हुए हो चुके हैं 209 किलोमीटर और मैं शायद कुरुक्षेत्र भी क्रॉस कर चुका हूँ, और एक साइड जो है धूप है वो अपने चरम सीमा पे है, और एक साइड भाई बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। प्रगति हुई है हमारे देश में हाईवेज़ की, मान गए, मज़ा आ गया। मतलब बिल्कुल दूर से दिख जाता है एकदम, कि कोई अगर गड्ढा माइन्यूट से आता भी है ना तो एकदम दूर से दिखता है कि हाँ गड्ढा आ रहा है, इस तरह का हाईवे का कंडीशन है बिल्कुल। सो हुआ ऐसा, घर जैसा, पहले हम लोग थे 5 लोग, उसमें से दिल्ली के जो राइडर्स थे वो थे 3 इंक्लूडिंग मी, लेकिन कुछ इमरजेंसी होने के कारण जो बाकी दोनों राइडर है वो नहीं आ पाए, उनका बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ लास्ट के 1-2 दिन में, तो दिल्ली से बचा मैं अकेला सोलो, इसलिए मैं सोलो जा रहा हूँ। सो मेरे साथ जो फेलो राइडर्स हैं जो मेरे को मिलेंगे वो है जम्मू में, उसमें से एक है सुमन भाई, सुमन भाई आ रहे हैं कैलकाटा से। 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करके मैं जा रहा हूँ मीटअप के लिए, जुनून देख रहे हो आप, इस जुनून और इस मेहनत के लिए लाइक तो कर दो। तो अभी मैं रुका हूँ खन्ना, ये एक जगह है पंजाब में, वहाँ मैं रुका हुआ, और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं ये रहा हाईवे, मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है कॉफ़ी और ब्रेड टोस्ट, क्योंकि राइड करते हुए कुछ हल्का ही खाना चाहिए। वैसे किया मैंने ब्रेड ऑमलेट, उनके पास ऑमलेट है नहीं अभी, तो जो है उसी से काम चला लेते हैं। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद अब टाइम हो गया दोबारा निकलने का, और यहाँ से कुछ अब मेरा जो डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर बचा है, और 300 किलोमीटर मैं सोच रहा हूँ 2 ब्रेक के साथ ख़त्म डालूँ, मतलब अभी 9 बज रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 1-2 बजे तक पहुँच जाऊँगा जम्मू। और मैंने आपको जैसे बताया था कि बारिश की जो है आसार है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर ये देखो धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इतनी तेज़ धूप हो कि मैं बाइक ना चला पाऊँ, गर्म हवा भी, गर्म हवा है नहीं, बट अगर गर्म हवा हो तो फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, पानी लेके आया हूँ, पानी कार्ड से पेमेंट हो जाएगी ना, कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, फुल कर दो। क्या रेट है इधर? 96। और
जस्ट मैंने जो लास्ट चेक पोस्ट क्रॉस किया है उसमें लिखा था जम्मू 193 किलोमीटर्स, तो वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नाउ जो आज का डे वन है उसके उस जर्नी के हम ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं। मतलब हम बोले लास्ट 150 किलोमीटर्स और अगर आप सामने देखे तो आपको हल्के हल्के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, तो इससे क्या समझ आया गेस कीजिए। दरअसल मैं पठानकोट के पास हूँ और पठानकोट से जो हिल एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक जो मेरा रास्ता था वो बिल्कुल सीधा था और वो बोरिंग भी था, अब थोड़े से पहाड़ वाले रास्ते आएंगे तो वो तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जम्मू कश्मीर के टोल में। अब इसके बाद मैं घुस जाऊंगा जम्मू के अंदर, तो आपके सामने दिख रहा होगा आपको जैसे जम्मू, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से आई गेस जो मेरा एग्जैक्ट होटल है वो 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर अब हम अंदर जाएंगे। क्या हो गया? सब टाइटल्स हिंदी में बोलो। मेरा हाँ तुम्हारा। और फिलहाल इसमें कल की राइड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो सेटिंग वगैरह करना है, मिरर लगाना है, विंडशील्ड लगाना है, वो कर रहे हैं। फोकस 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 कर सकती बात। जब मैं आया इधर ना जम्मू पहुंचा, मैं टायर्ड हो गया था काफ़ी, तो मैं आया फ्रेश वाश हो गया, तो उसके बाद जब आग शाम को खुली, अभी थोड़ा सा क्योंकि कल की राइड की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह एडजस्ट करना है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो सुमन भाई है वो लोग अपने बाइक पे काम जो था थोड़ा बेसिक काम कर रहे थे, तो मैं जो जगह पे रुका हुआ हूँ ये है सरस्वती धाम, पीछे आप देख सकते हैं, बेसिकली डॉर्मेट्री वाला सिस्टम है यहाँ पर। कितना सुमन भाई चार्ज है? 100 रुपीज़ पर हेड ना, 100 रुपीज़ पर हेड का चार्ज है। काफ़ी नीट एंड क्लीन कमरे हैं, और अगर आप आते हैं जम्मू स्टेशन और जम्मू पर उतरते हैं, स्टेशन के ठीक पीछे वाले एरिया में है, यहाँ पर लाइन से तीन ऐसे है अरेंजमेंट्स, तो आप किसी एक को भी चूज़ करके आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो देखिए बसेस वगैरह भी खड़ी है, काफ़ी बड़ा एरिया है, और पीछे हमारी बाइक वगैरह भी खड़ी हुई है।